स्पीकर कौमी असेंबली असद खैसर के दौर में गैर कानूनी भर्तियों का नोटिस ले लिया गया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने कौमी असेंबली सेक्रेटेरियट से भर्तियों की तफसीलात मांग ली है, तहकीकात का भी हुक्म दे दिया गया है। मजीद जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे नवीद अकबर से। नवीद आगा कीजिएगा। जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने साबिक स्पीकर असद खैसर की जगह से की गई राजकीय भर्तियों का नोटिस ले लिया है, क्योंकि ये बात सामने आई थी अपने इंतजार के आखिरी दिनों में जब वो स्पीकर का ओहदा छोड़ रहे थे। उससे दो दिन पहले भी उन्होंने काफी तादाद में लोगों को तरक्कियां भी दी और लोगों को भर्ती भी किया था नए सिरे से। तो स्पीकर कौमी असेंबली ने अब जो असेंबली का सेक्रेटेरियट है उसने कहा कि तमाम तफसीलात उनके सामने रखी जाएंगे, किस किस जगह में लोगों को भर्ती किया गया, कौन कौन कौमी असेंबली सेक्रेटेरियट में डेपुटेशन पर आया और किसको डेपुटेशन पर लाकर तरक्की दे दी गई गारंटी। इसके साथ साथ जिनकी तरक्कियां हुई है और जिन लोगों को आउट ऑफ टर्न तरक्की दी गई, जबकि जिनकी तरक्की नहीं की गई, उन सब मामला को उन्होंने कहा कि उनके सामने रखा जाए। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि स्पीकर कौमी असेंबली इंक्वायरी कराएंगे और इंक्वायरी के बाद कार्रवाई करेंगे। ये उन्होंने फैसला किया कि जामे तहकात जो है वो कराई जाएंगी, उसके लिए उन्होंने सेक्रेटेरिएट को एक तहकाती कमेटी बनाने का भी हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया नवीद आपका।